नितिन गडकरी के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा फेक पोस्ट, नागपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। केंद्रीय परिवहन और महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नाम से सोशल मीडिया पर एक फेक पोस्ट वायरल होने का मामला सामने आया है। नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में दत्तात्रेय जोशी नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी की पोस्ट की गई है। दत्तात्रेय जोशी नाम के एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र में कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर एक फर्जी और जातिवादी पोस्ट प्रसारित की है, जिसे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इसकी जानकारी होने पर गडकरी के कार्यालय ने ट्विटर के माध्यम से साइबर पुलिस से मामला दर्ज करने का आग्रह किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। नागपुर में वरिष्ठ भाजपा नेता के कार्यालय के एक प्रतिनिधि ने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पोस्ट को वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक अधिकारी ने 20 मार्च को बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले जनवरी में नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी मिली थी। गडकरी के नागपुर स्थित कार्यालय में 14 जनवरी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक नितिन गडकरी के कार्यालय में सुबह 11:25 पर, 11:32 पर और दोपहर 12:32 पर धमकी भरे 3 कॉल प्राप्त हुई।